आलू वड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए। हाय वेलकम टू संजीव कपूर खजाना, मैं हूँ शेफ राहिल। आज हम आपके लिए बनाएंगे आलू वड़ी। आलू वड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम पंजाबी वड़ी क्रश किए हुए, 4 आलू वेजेस में कटे हुए, 2 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 इंच अदरक कटा हुआ, 3 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 टमाटर की प्यूरी, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच ताज़ा धनिया कटा हुआ। सबसे पहले हम एक पेस्ट बनाएंगे। जी हाँ, ये पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक। अब डालें इसमें कटा हुआ प्याज और इसका पेस्ट बना लें। लीजिए, अब ये पेस्ट तैयार है। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम तेल डाल के गरम करेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब डालें जीरा और अब डालें अदरक और प्याज का पेस्ट और इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से सौते करें। जब प्याज थोड़ा भुन जाए तब इसमें डालें पंजाबी वड़ी क्रश किए हुए और इसे भी अच्छी तरह से पका लें। वड़ी डाल के पकाते समय ये ध्यान रखें, जब आपका मिक्सर ड्राई होने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकाते रहे 5-10 मिनट के लिए। प्याज और वड़ी अच्छी तरह से भुन जाए अब इसमें डालें टमाटो प्यूरी और इसे अच्छी तरह से पकाएं जब तक इस ग्रेवी में से तेल छूटना चालू ना हो जाए। जब ये टमाटर अच्छी तरह से पक जाए तब इसमें डालें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पका लें। अब इसमें डालें नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आलू और इसे भी अच्छी तरह से मिला ले और इसे भी पका ले 1-2 मिनट के लिए। जब आलू अच्छी तरह से सौते हो जाए तब इसमें डालें 2 कप पानी। पानी डालने के बाद इसे तेज आंच पे एक उबाल आने तक पका ले। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए तो इसे ढक्कन लगा के 4-5 सीटी होने तक पका ले। अब ग्रेवी में उबाल आ गया है और इसे हम ढक्कन लगा के 4-5 सीटी होने तक पका लेंगे। लीजिए, आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, ताज़ा हरा धनिया कटा हुआ और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। लीजिए, आलू वड़ी तैयार है, इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। लीजिए, आलू वड़ी तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें राइस या रोटी के साथ।